हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ट बडी। आज का जो वीडियो है वो है चिकन सीज़र सैलड। तो आप देखिए इसमें हमने कैसे बनाया है सीज़र सैलड। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बट बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो कैसा लगा आपको। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सीज़र सैलड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चिकन चाहिए। मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस काटे हैं। ये जो चिकन है ये अराउंड 450 टू 500 ग्राम्स चिकन है और इसको हमें फर्दर काटना होगा। ये बोनलेस चिकन है। हमने लैटस लिया है और लैटस को भी मैंने बारीक काटा है। एकदम बारीक मत काटिए, थोड़ा सा मुंह में आए क्रंचीनेस। वैसे क्रूसॉन चाहिए। मेरे क्रूसॉन छोटे हैं तो मैंने चार पीसेस लिए। अगर आपके बड़े होंगे तो आप उस हिसाब से अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें नमक चाहिए, नींबू चाहिए, लहसुन चाहिए। लहसुन हमें बारीक बारीक काट के चाहिए। 10 तुरिए हैं जिन्हें मैंने लिया है। काली मिर्ची चाहिए, विनेगर चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, वॉरिशर सॉस चाहिए, पार्मेसन चीज़ चाहिए और मस्टर्ड चाहिए। सबसे पहले हम जो क्रूसॉन है उसको काटेंगे। अराउंड हाफ अ इंच का साइज़ हमें चाहिए। अब आप देखिए हमने हाफ इंच के लिया है। अब मैं इसको बेक करूँगी अवन में, तो मैंने अवन ट्रे में ही इसको डाल दिया है एंड इसकी सीजनिंग करेंगे। तो मैंने एक बाउल लिया है, उसमें ऑलिव ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। हम डाइस गार्लिक डाले हैं, थोड़ा सा पार्मेसन चीज़। मेरा जो पार्मेसन चीज़ पाउडर है, अगर आपके पास ग्रेटेड है या दूसरा है तो आप उसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं ये ब्रेड के ऊपर डालूँगी। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब मैं इसको OTG में बेक करने रखूंगी फॉर अराउंड 15 टू 20 मिनट्स एट 200 डिग्री सेल्सियस। अब हम चिकन लिए हैं, उसको काट लेंगे। मेरा चिकन छोटा है बट मैं उसको और फर्दर काटूंगी। अब जब हमारा सारा चिकन कट गया है तो हम इसको पैन में फ्राई करेंगे, सॉटे करेंगे रादर। मैंने तेल लिया है, इसको हीट करेंगे। अब जब हीट हो गया तेल तो हम इसमें चिकन डालेंगे जो हमने पीसेस काटे हैं एंड जब ये एक तरफ से हो जाए तो इसकी साइड पलटे एंड फिर इसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाल लीजिए कि जो चिकन है उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक चला जाए। एंड हमको इसको बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए और आप काट के देख लीजिए ये कट रहा हो तो हमारा हो गया। अब हमारा चिकन बन रहा है, तब तक हम उसके सॉस बना लेते हैं। हमने गार्लिक लिया है, मस्टर्ड डालेंगे 2 टेबल स्पून अराउंड मैंने मस्टर्ड लिया है। वॉरेशर सॉस डालेंगे, ये भी अराउंड 2 टेबल स्पून है। लेमन डालेंगे, ऑलिव ऑयल, विनेगर और सॉल्ट, ब्लैक पेपर। इसको विक्स से अच्छे से हिलाएंगे। एंड जब ये हिल ला लिया तो हम इसमें थोड़ा सा पार्मेसन चीज़ डालेंगे। अराउंड 80 ग्राम्स के अराउंड डाला होगा मैंने और इसको हम फिर अच्छे से विक्स करेंगे। तो अब आप चिकन को देखिए, हमारा ये अच्छे से कट रहा है, दैट मीन्स चिकन हमारा हो गया है। तो हम बाउल लिए, उसमें चिकन डालेंगे। मैं पूरा चिकन नहीं डाल रही, थोड़ा सा रख लूँगी, वो मैं ऊपर डालूँगी सैलेड में।
अब हम जो सॉस बनाए हैं वो डालेंगे। इसको अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे। अब लैटिस डालेंगे, लैटिस को भी मिक्स कर लेंगे। एंड जो हमने क्रोसॉन बेक किए थे वो डालेंगे फिर। एंड जो बचा हुआ चिकन है उसको डालेंगे। देन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें पास्ता को बॉईल करके भी डाल सकते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर हैवी मील की तरह खाना चाहते हैं। एंड फाइनली हम पार्मेसन चीज़ से इसे गार्निश कर लेंगे। एंड आवर सीज़र सैलेड इज़ रेडी। ज़रूरी नहीं है पास्ता डालना, बट अगर आप थोड़ा सा हैवीयर करना चाहते तो पास्ता भी बॉईल करके डाल सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी ये रेसिपी ऑफ सीज़र सैलेड पसंद आई हो, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन टू बी नोटिफाइड फॉर द न्यू वीडियोज़। थैंक यू, कीप लविंग टेस्ट बड्स।